हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और यहाँ मेरा व्लॉग चल गया है और मैं अभी चालू हो गया। ये लोग अभी ऐसे ही मजाक बनाते हैं, ये परहेज कर रहे हैं यहाँ पर। जीशा खाना खा रही है, नहीं खा रही। और मैं दिखाती हूँ, हमारा मिट्ठू भी खाना खा रहा है। ये देखो मिट्ठू आ जाओ, आओ मिट्ठू आओ। ये देखो मिट्ठू खाना खा रहा है, भाग रहा है वापस। ये रोटी खा रहा है, ये रहा रोटी का टुकड़ा। ये लो मत डरो, मिट्ठू डर के वापस जा रहा है। और मेरा हो रहा गला बहुत ज्यादा खराब, यहाँ और ये परेस क्योंकि कल कपड़े धोए थे। ये कर रहे हैं मोनिस गया बाहर, उसकी कमर में दर्द हो रहा घूमने के लिए। और मैं सर्दी में पूरी पैक हूँ और मैं इसी वजह से इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है। और आज मैं दो तीन चीजें बनाने जा रही हूँ तो उसी के लिए मैंने सोचा कि अपनी वीडियो बना लेती हूँ, वरना कुछ हो ही नहीं पा रहा आजकल सर्दी की वजह से। तो यहाँ चिकन लाया है मोनिस, उसे खाना है चिकन। तो ये चिकन मैंने पानी में डाल दिया, इसकी पन्नी है मतलब, इधर से नहीं दिख रहा होगा इधर से दिखाती। चिकन लाया है, पानी में डाल दिया है, बर्तन सारे धो दिए हैं। और ये दिखाती हूँ, ये भी धो दिया है मैंने, ये सामी टिक्की कबाब का कीमा है, ये भी धो लिया है मैंने। कुकर चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें जाऊंगी इनको डालने। किचन पूरी फैली हुई है क्योंकि मैं पहले से काम कर रही थी, कपड़े संभाल रही थी अलमारी के, बहुत सारे कपड़े हो रहे थे तो मैंने गर्म कपड़ों की तह लगाई है। और जो कल दो हैं वो ये परहेज कर रहे हैं। और ये हो रहा है गर्म पानी। तो गर्म पानी देखो मैं इसलिए करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने गोश्त धोया था तो ये सिंक का जो इसे ये हटाओ ना, फालतू के बर्तन सारे यहीं पे रख दिए हैं। ये जो सिंक का वो होता है ना, इसमें गोश्त धोती हूँ ना तो इसमें थोड़ा सा जमने का डर होता है, तो इसलिए मैं ये देखी गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि सारा साफ हो जाए। तब भी आप गोश्त वगैरह धो तो इसके सिंक के अंदर जरूर गर्म पानी डालना चाहिए, मैं तो डालती हूँ। नहीं आलू धोती हूँ तब नहीं डालती हूँ, सिर्फ गोश्त धोती हूँ तब डालती हूँ। तो चलो मैं अभी चिकन धो लिया तो मैं उसको निकालने जा रही हूँ एक बर्तन में, मतलब टोकरी में प्लास्टिक की। और नजले की वजह से ना सांस आने में दिक्कत हो रही है, बोला नहीं जा रहा है। तो बस अभी क्यों बोल रही हूँ बस बोल रही हूँ। बर्तन मैंने हाथ के हाथ सारे धो दिए हैं। और ये वाले डब्बे हैं दो, तो इनमें तेल था सरसों का, क्योंकि आपने देखा होगा तीन चार वीडियो पहले तेल मंगाया था सरसों का, वो पूरा निकल गया था तेल, डब्बा मतलब क्या कहते हैं तेल का कनस्तर टूटा हुआ था तो सारा तेल निकल गया था, तो मैंने इनमें पलट के रख लिया था। और मैंने फिर से मंगाया एक तेल का कनस्तर ये वाला। और ये चीनी है 5 किलो, तो मैं इकट्ठा ही मंगा लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 किलो बचा होगा, उससे पहले ही मैंने मंगा के रख लिया है। चीनी तो एडवांस में मंगा ली हूँ। किचन पूरी फैली हुई है, अभी मैसी है, सफाई नहीं की है क्योंकि अभी बाजी यहीं पर है, उनके चक्कर में रोज हॉस्पिटल जाती है तो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। तो चलो अभी मैं अपना आप लोगों को दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बनाना है मुझे। एक तो मैं बना चुकी हूँ जो आज का है वो तो मैं बना चुकी हूँ, उसका मैंने नहीं दिखाया। तो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ सिंपल सा, बस मोनिस का मन कर रहा था। और चिकन को मैं जा रही हूँ अभी, तो यहाँ मैंने चिकन को धो लिया है। और उसको धोने के बाद मैंने ना काफ़ी टाइम तक पानी में ही डाल के रखा हुआ था। चिकन मैं इसलिए मंगा लेती हूँ, कभी कभी मोनिस को ना रात में मतलब खाने के लिए एकदम से मांगने लगता है, तो उसे मैरिनेट करके रख दूंगी मैं इसको फ्रिज में। और यहाँ साथ में ही मैं अपना जो कीमा मंगाया था मैंने उसे निचोड़ लिया है और कुकर में डालती रहूँगी साथ साथ में। मैंने 1 किलो मंगाया तो आधा ही मैं बनाऊँगी, आधा मतलब रख दूंगी आधे का, मतलब कुछ और बनाऊंगी। दो तरह के कबाब बनाने हैं मुझे क्योंकि ये खाते नहीं है ना सामी कबाब, ये कच्चे कीमे के खाते हैं, तो साथ में ही निचोड़ के मैं एक साथ रख दूंगी इसको। इसको पानी निचोड़ने में टाइम लगा था मुझे तो मैंने वो कर लिया है। और मैंने जो कीमा कुकर में डाला उसमें मैं दाल डाल रही हूँ, चने की दाल मैंने थोड़ी देर पहले ही धो के रख दी थी। लाल मिर्चें साबुत डालूंगी क्योंकि इसमें इसका ही टेस्ट अच्छा आता है, लहसुन अदरक का पेस्ट है तो साबुत भी डाल सकते हो आप लहसुन, मगर मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ। नमक डाल दिया है मैंने इसमें, जीरा डालूंगी 2 चम्मच भर के डालूंगी क्योंकि जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। और मैं मिक्स कर दूंगी इसको इस तरीके से, तो मिक्स करना ज़रूरी होता है।
और इसको धीमी आंच पे रख दूंगी बनने के लिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा इसे बनने में, बस रख दिया है मैंने ये। फिर मैं ढक्कन लगा दूंगी और गैस को स्लो कर दूंगी, सीटी नहीं लगानी है, धीमी आंच पे ही पकाना है इसको। चढ़ा दिया है मैंने सारा सामान डाल के, अब इसको थोड़ी देर धीमी आंच पे पकने दूंगी। और ये मैंने बनाया आलू गोश्त, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बनाया आलू गोश्त, ये देखिए। तो ये बनाया है शाम के लिए। और चिकन मैंने धो दिया है तो उसको रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि इसकी कहानी आज नहीं है, इसकी कहानी कल शुरू होगी। तो मैं ये चिकन इस डब्बे में करके रख दूंगी फ्रिज में, ताकि ये कल काम आए हमारे। बस मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रख लिया है, क्योंकि मोनिस का पता नहीं कम मन हो जाता खाने का, तो उसी की वजह से मंगा लेती हूँ मैं। तो बस इस डब्बे में ऐसे ही करके फ्रीजर में रख दूंगी। बर्तन अभी धोए हैं, फिर से इतने ही बर्तन हो गए हैं, तो मैं अब बर्तन धो के, और अंदर हो रही है बहुत जबरदस्त लड़ाई ईशा की और उसके पापा में, तो मैं इसका ढक्कन लगा के अभी रख दी। तो इसको रख देती हूँ यहाँ पर, पूरी तरह से सारा खाली सा ही हो रहा है, क्योंकि दो तीन दिन से सब्जी नहीं आ रही है ना बिल्कुल भी। तो प्राणित ने मेरा कीमा तैयार होता है, मतलब भुनता है वो, उबलता है यानी कि, तो इतने मैं अपने कपड़ों की तय बना लूंगी, क्योंकि कल धोए थे आधे कपड़ों पे, इन्होंने सुबह परहेज कर दी थी। तो ये थोड़े से कपड़े हैं जो बगैर परहेज के, उन पर मैं साथ साथ में परहेज कर दूंगी। मोनिस की कवर्ड है, इसको साफ किया है मैंने, तो दोबारा से तय लगा के रख रही हूँ कपड़ों पर। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़ों का काम, तो यहाँ मैंने आलू गोश्त बनाया था तो मैं उसको पलट के रख दूंगी, और कुकर को साथ में ही धो के रख दूंगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है कि सालन बनाओ और कुकर वगैरह जो होते हैं बड़े बड़े बर्तन, उनको फ़ौरन ही धोकर रख दो। मैंने किचन पूरा साफ कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ मेरा कीमा भी तैयार हो चुका है, जो मैंने उसको उबाला था सामी कबाब का, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें भाप निकल रही है। और इसको मैं प्लेट में करके और फैन चला के ठंडा कर लूँगी, ताकि मतलब ठंडा ही पीसना चाहिए, गरम गरम पीसेंगे तो मिक्सी के जार में इसकी गैस बन के फटने का भी डर होता है, तो इसलिए मैं अपना इसको ठंडा कर लूँगी फ़ैन चला के। साथ में मैंने जो बर्तन खाली करे हैं दोनों कुकर धो दूँगी साथ साथ में ही, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं फैलता है अगर साथ साथ में ही अपना निपटाते रहो काम को। ये देखिए मैं इसको रखने जा रही हूँ अभी रूम में, और फैन तो मैं जा रही हूँ इसको पीसने, ही हो गया ठंडा। और इसको ये देखिए इसको ठंडा करके ही पीसा जाता है, और मैं तो मिक्सी नहीं चॉपर में ही पीस लूँगी इसको, उसमें ग्राइंड कर लूँगी तो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी को हो चुका है, मैं जा रही हूँ इसे पीसने, पहले कर देती हूँ फ़ैन बंद। और चाय मैंने चढ़ा दी, चाय बननी है मेरी पहले, वैसे मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं इसमें लगूँगी जो ये मैंने बनाया है। ये ठंडा हो चुका है और ये बहुत मज़ा आ रहा है इसे खाने में, और चाय मेरी चढ़ चुकी है इंडक्शन पे, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद तो ये लोग अपने अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं। मोनिस से मैंने मंगाए फैन फ्राइज, अभी चाय पीने के बाद उसके बाद हम रखते हैं वो। तो ये हो गई हमारी चाय, आ जाइए जी, जिसको चाय पीनी है, फैन फ्राइज खाने हैं, जलेबी मिली हुई। एक दो दिखा दो मुझे, एक दो दिखा दो, लो नहीं तो, और क्या तुमने ज्यादा लिए इसको दो। जिसने ज्यादा लिया वो देगा इसको, इन दोनों के में से भी निकाल लेना, दो दूंगी पहले करो, जितने बचे सारे मोनिश है तुमने खा लिए, वैसे भी तुम ज्यादा लेकर आए थे, नहीं इसने ज्यादा लिया था, गिनने दे कितने, ये ले लो और दे दो मामा। ईशा आपने खा लिए थे सारे, इसी के है मोनिश के, मेरे में से क्यों है, क्यों आप तो 20 रुपए खाए ना आपने, कौन से 20 रुपए खाए, 10-10 उसके दे, चलो दो दो के हो गए, और दो जल्दी जा चल। तो कीमा ठंडा हो चुका था जो बैटर बनाया था, अब उसको मैं मिक्सी के नहीं चॉपर में वो कर लूंगी इसको ग्राइंड, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से चला के मैंने इसको पीस लिया है,
और अब इसको बनाने की तैयारी करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है पिसने के बाद। तो यहाँ मैं प्याज मिक्स करूँगी, इसमें मैंने प्याज को पहले ही चॉप करके रख लिया था चॉपर में, और ये कुटी हुई मिर्चियाँ हैं लाल, मैंने थोड़ी सी वो भी डाल दी हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके इस तरीके से आप बना सकते हो, छोटी बड़ी जो भी साइज़ होता है अपने उससे बना सकते हो। तो ये मैंने बना लिए हैं सारी, एक साथ ही बना के रख दिए। कुछ मैं फ्राई कर लूँगी, कुछ मतलब सेक लूँगी, कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी एक डब्बे में करके। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली है, तवे पे ही सेक रही हूँ मैं, मैंने नॉन स्टिक ही नहीं लिया है। और ये इस पर भी अच्छे से सिक जाती है देखिए, और धीमी आँच पे ही सेकी थी मैंने, फिर थोड़ा सा गैस को बाद में तेज़ कर दिया था। तो ये बनके तैयार हो चुकी हैं, देखिए रेडी हो गई है मेरी शामी टिक्की। आ जाइए आप भी खा लीजिए। साथ साथ में मैंने रोटी भी डाल ली है क्योंकि रोटी का काम था, रात हो रही थी, 9 बज रहे थे, फिर बच्चों को मौलाना पढ़ाने आ जाते हैं तो सोचा कि पहले खाना खा लिया जाए क्योंकि लेट हो जाते हैं फिर। तो मैंने अपना रोटी भी डाल के अपना काम निपटा लिया था, साथ में ही गैस का, किचन का, स्लिप का, सबका मतलब सफाई कर देती हूँ मैं साथ में ही। उसके बाद जो बर्तन बचते हैं दो या तीन, ये मतलब जो भी होता है, मैं साथ साथ में ही धो के निकलती हूँ किचन से। मैं काम नहीं छोड़ती हूँ इसीलिए क्योंकि फिर बाद में पड़ा रहता है, सर्दी भी वैसे बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम, तो पानी इतना ठंडा आ रहा है। सो फाइनली मेरा खाना बन चुका है और इतना ठंडा पानी हो रहा है कि हाथ भी बिल्कुल रेड हो गए देखिए। और चलो खाना बन गया है, अभी ये लोग खाएंगे, तब की तब देखी जाएगी। तो अब मैं इन लोगों को खाना दूंगी, उसके बाद बस एक कबाब खाऊंगी मैं, उसके बाद अब अपनी वीडियो का एंड करूंगी क्योंकि पूरा दिन हो गया आज इस वीडियो को करते करते। तो मैं पहले थोड़ा सा पानी पी लूं और जब खाना इनको दे दूंगी उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये लो, कुछ भी नहीं करते। अच्छा एक एक ले जाओ। सारे गर्म पानी दे दिया क्या? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी गर्म पानी पीने से? वैसे सर में दर्द है, कमर में दर्द है और गर्म पानी पिया नहीं जाता इन लोगों से, पता नहीं कैसा बना कबाब। सही है, टेस्ट सही है। अब तुम्हें पसंद आए ना आए, इतना बढ़िया टेस्ट हो रहा कबाब का, मुझसे नहीं बनते सही से पर आज अच्छे बने हैं, टेस्ट है, सब चीज बराबर है। चलो गाइस हम खाते हैं खाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।